आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिनी डीसी कूलर का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ, उसका कैसे क्या है। तो गाइस यार ये है कूलर और मैंने एक वीडियो डाला इसे रिपेयर कैसे करें, तो उस मेरे को लगा कि इसका मैं रिव्यू भी दे देता तो अच्छी बात हो जाती, आप इसे बाय करें या ना करें या आप लोगों को भी एक रिव्यू हो जाता इसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ, साथ ही में इसका कूलिंग टेस्ट भी मैंने किया। आई होप कि अगर आप लोगों को कूलिंग टेस्ट भी इसका देखना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों को उसके लिए ज़रूर आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि इसका कूलिंग टेम्परेचर ये कम करता है या फिर फेक प्रोडक्ट इसमें दिखाया गया है। तो अभी पहले तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें एक बटन होता है इसे ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके की टंकी होती है नॉर्मल सी, इसमें आप वाटर कैनल डाल सकते हो या तो फिर आइस भी डाल सकते हो, यहाँ पर वाटर भी आप डाल सकते हो, बट आइस मैं इसमें डालकर चेक किया तो मेरे को सही कूलिंग लगा या नहीं आप मुझे अगर कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारा रिव्यू दूंगा। बट मैं आप लोगों को नॉर्मली बताऊँ तो अगर आप लोगों ये इजीली पर मतलब कि अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो, ऐसी जगह रहते हो कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा रहेगा आपको। वन अगर आप एक ही आदमी हो तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि आपको ये वन एंड वन पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया मिनी कूलर है और इधर साइड से ये प्रेशर लेता है मतलब कि एयर को खींचता है और इधर साइड से फेंकता है। और अगर बात करें इसके सेल्स की तो ये 333AA सेल्स के ऊपर चलता है, यहाँ पर 3 सेल डाल सकते हो और ये चल सकता है। अगर आपके पापा की सेल की फैक्ट्री है तो आप इसे ज़रूर चलाएं सेल से, क्योंकि ये आधे से एक घंटे में ही, मैंने इसको टेस्ट किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही ये इजीली सेल को ख़त्म कर ही देगा। तो आई होप कि अगर आप लोग की फैक्ट्री है सेल की तो आप इसमें ज़रूर लगाएं, मैं उसको नहीं बोलूँगा नहीं। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रू भी देखने को मिल जाती है, तो चलिए मैं यहाँ पर अभी लगा देता हूँ जैसे थे वैसे। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लगा सकते हो और देन आप लोगों को इसे मैं सीधा करके दिखाता हूँ। और आप लोगों को इसकी इसमें स्विच भी अच्छी मिलती है, तो अभी मैं आप लोगों को इसका कूलिंग और आप लोगों को अभी ऑन करके इसे दिखाता हूँ। ये चल जाता है इजीली अगर आपके पास कोई भी पावर बैंक है 10,000 mAh की जो भी हो, वो आपके पावर बैंक की क्षमता के अनुसार ये बैकअप देगा। 10,000 mAh की पावर बैंक है, इजीली 4 से 5 घंटे इजीली ये चलता रहेगा कंटिन्यू हाई स्पीड पर, मतलब कि चल जाएगा। अगर 10,000 की लोकल ब्रांड की है तो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अभी आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी ये चल नहीं रहा है सही से, बट ये चल रहा है क्योंकि अभी ये मैंने माइक लगाया साइड में हुए मेरा माइक, तो आप लोगों को साउंड नहीं आएगा। आई होप कि अभी आप लोगों को चल रहा है उसका साउंड आया होगा। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कूलर के लिए एक लाइक तो ज़रूर बना देना, और मेरे तरफ से इसके लिए रिव्यू क्या रहेंगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि आप लोगों को लगता होगा कि इसे बाय करना चाहिए या नहीं, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि इसे बाय करना चाहिए या नहीं, और इसे हम चला कर देखेंगे 3AA सेल से कितने टाइम तक बैकअप देता है एक्जैक्टली मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए मैं मिलता है एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय।